और इस बीच सुशांत मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि सीबीआई इस मामले में सुशांत के परिवार से पूछताछ कर सकती है, लेकिन आज तक से सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा कि सीबीआई से अब तक ऐसी कोई जानकारी परिवार को ही नहीं मिली है। हालांकि सीबीआई जब भी बुलाएगी तो सुशांत के परिजन और मित्र सीबीआई को सच्चाई बताने के लिए हाजिर हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट? विकास जी से अभी हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जब हमने एफआईआर दर्ज कराई और 40 दिन मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, उसके बाद बिहार पुलिस के सामने, पटना पुलिस के सामने हमने एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद जो प्रतिक्रिया स्वरूप रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर दर्ज कराई है, वो एफआईआर सीबीआई के पास पहुंच गई है और सीबीआई जाहिर है कि उस पर एक्शन लेगी। जो प्रोसीजर है वो पूरा करेगी और जाहिर है कि जिन लोगों के नाम उस एफआईआर में दर्ज हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। और जब भी हमारे पास, हमारे क्लाइंट के पास समन आएगा, हम जरूर जांच ज्वाइन करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे और हम पूरी सच्चाई सीबीआई को बताएंगे कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कहाँ फॉल्स है, कहाँ गड़बड़ है, वो सारी चीजें हम इनको बताएंगे ताकि सीबीआई को सारी चीजें सही सही समझ में आए। और उनका ये कहना कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जब भी उनके क्लाइंट के पास समन आएगा सीबीआई का, सीबीआई के सामने वो जरूर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।